अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद नजीब खान और मेरे कलीग डॉक्टर सैयद तौहीद अहमद, हम दोनों PhD यूनानी अल आरिफ जनरल हॉस्पिटल एंड यूनानी रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च का काम अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि COVID-19 जो कि एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है दुनिया भर में, और ये भी सब लोग जानते हैं कि ये COVID-19 एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना वायरस जिसका मौजिब है। और ये कोरोना वायरस सुनने में तो नया लग रहा है, लेकिन अतिबा यूनानी ने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कई सदियों पहले दे चुके हैं। कोरोना वायरस दरअसल चंद वायरस का एक मजमुआ होता है, और ये जैसा जैसा वक्त गुजरता है, ज़माना गुजरता है, तो और मौसम की तब्दीली की वजह से और कई इंसान के एंटीबायोटिक्स, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने की वजह से ये वायरस में भी चेंजेस आते हैं। और ये जो कोरोना वायरस फिलहाल जो COVID-19 जिसकी वजह से हो रहा है, ये कोरोना वायरस को एक नई स्ट्रेन के तौर पे पहली बार डिस्कवर किया गया था चाइना में 31 दिसंबर 2019 में, इसलिए इससे होने वाले मर्ज को COVID-19 कहा गया है। लेकिन जहाँ तक कोरोना वायरस का नया है या पुराना है इसका जो सवाल है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई नई बीमारी नहीं है या कोई नया वायरस नहीं है। कोरोना वायरस का जिक्र कई साल पहले से किताबों में चलता आ रहा है, और बिलखसूस यूनानी लिटरेचर में इसका जिक्र सदियों पहले आ चुका है। आपके इतला के लिए शेख उर्रईस बू अली सीना, जिसको अंग्रेजी में एविसीना कहा जाता है, और जिनकी मशहूर किताब अल कानून फी तिब द कैनन ऑफ मेडिसिन जो कि 1029 AD में लिखी गई थी, जो कि लगभग 600 साल तक कई मेडिकल दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजेस में एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती थी, उसके अंदर इसका जिक्र है, ये इस किस्म की बीमारी का जिक्र है। और इस तारुफ से चंद और भी इसका बैकग्राउंड में मिलते हैं, जैसे कि जब कभी कोई बीमारी इंसान को लाहक होती है, इस तरह की ये वायरस की बीमारी लाहक होती है, तो उमूमन इसके तीन बेसिक कॉजेस होते हैं। एक होता है कि बदन के अंदर मुनासिब हरारत पाई जाए, दूसरा होता है बदन के अंदर मुनासिब रुतूबत पाई जाए, और तीसरा होता है अजसाम गरीबा या अजसाम खबीसा, जिसको इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स या वायरसेस या बैक्टीरिया कहते हैं। तो जब कभी किसी बदन के अंदर मुनासिब हरारत और मुनासिब रुतूबत पाई जाए, एक ऐसा मीडियम तैयार हो, इस तरह का मीडिया फराहम हो बदन के अंदर कि इस किस्म के अजसाम खबीसा को पनपने का मौका मिले, तब वो बीमारी लाहक होती है, और उसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स या अलामत रोनुमा होते हैं। और यूनानी तिब का एक कॉन्सेप्ट है कि इसका जो डायग्नोसिस का प्रोसीजर होता है वो होता है अलामत के ऊपर, और ये जो अलामत आप COVID-19 में आप जो देखने को आपको मिलते हैं, इन अलामत का जिक्र, जैसा मैंने भी कहा कि हजारों साल पहले ही इसका जिक्र हो चुका है यूनानी किताबों में। आप देखें कोविड में जो आम अलामत WHO के ने जो बताए हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सर में दर्द, थकान और शरीर केसेस में सांस लेने में दिक्कत, ये तमाम जितने अलामत हैं, ये अलामत इनसे होने वाली मजीद किन किन बीमारियों में ये अलामत पाई जाती है, वो बीमारियों के नाम और उसका माकूल इलाज और उनके इलाज में इस्तेमाल होने वाली अदविया यूनानी किताबों में बहुत ही खसूसी तौर पे इसका वाज़े जिक्र है। तो हमने इसी के ऊपर रिसर्च किया। आपको पता होगा कुछ चंद साल पहले, लगभग 10 साल पहले SARS करके एक बीमारी आई थी, और उससे पहले आई थी MERS करके, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और SARS यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये बीमारी के अंदर में भी इन बीमारियों, उसके बाद फिर स्वाइन फ्लू आया, इन तमाम बीमारियों में लगभग एक उसी तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो हमारी जो एक्सटेंसिव जो साइंटिफिक कमेटी है, जो मुसलसल लगभग 1.5 दहे से इस तरह की बीमारियों के ऊपर काम कर रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 ऐसे अदविया की इसमें सिलेक्शन किया है जो इन तमाम अलामात को ना सिर्फ कंट्रोल करती है बल्कि उनको आने से पेशेंट को बचा के भी रखती है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को इस तरह के बीमारी से बचा के भी रखती है। तो जिसमें से अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि पहली चीज़ है, पहली दवा का नाम है तेलियाके अरबा, ये एक्चुअली पॉली हर्बल मेडिसिन है। इसके अंदर 4 अज्जा पर यह दवा मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले है जिंतियाना रोमी, जरावल तवील, मुरमकी और हब्बुलगार। तो ये 4 दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, मुफरद अदविया हैं, इनका हम मुरक्कब बनाते हैं, इसको सुफूफ में या अगर ज़रूरत पड़े तो माजून की शक्ल में हम इसको इस्तेमाल करते हैं अंदरूनी तौर पर, जिससे मैंने पहले कहा था कि ये जो 3 फैक्टर्स होते हैं जो मीडियम को कंट्रोल करते हैं किसी भी बीमारी आने के लिए,
तो ये जब बदन में जाती है ये दवा, तो कोई बीमार शब्द जिसके अंदर ये तीनों चीजों में बिगाड़ होता है तो सबसे पहले उसको करेक्ट करती है। और अगर बीमारी नहीं आ रही है, सेहतमंद आदमी है लेकिन बिगाड़ होने का अंदेशा है, तब भी उसको हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह दूसरी दवा का जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, तिरियाक़े आज़म, इसको अर्क अजीब भी कहा जाता है। ये भी एक पॉली हर्बल फार्मूला है। इसके अंदर तीन दवाएं, तीन सिंगल दवाएं होती है, सिंगल ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं। पहला है काफूर, अर्क़े अजवाइन, अर्क़े पुदीना, सत्य पुदीना, सत्य अजवाइन। तो ये तीन दवाओं को जब हम मिलाते हैं, वैसे दिखने में आप जब देखें अगर दवा साथ से अगर ये तीन दवाएं लें तो बिल्कुल ये सॉलिड फॉर्म में होती है, जामी ठोस तरह की दवा होती है, लेकिन जब इनको आप तीनों को एक जगह रख देते हैं तो सब्लिमेशन, आप इतना होगा सब्लिमेशन की वजह से ये तीनों जब लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, इसको हम इसको बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ही कलील मकदार में इसको अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अगर आपको फिलफौर ये जो अलामत अभी जो बताई गई हैं उसमें फिलफौर इसके अंदर आपको राहत पहुंचेगी इससे। तो हमने इसके ऊपर काम किया सांस में, हमने इस पर काम किया मर्स में, हमने इस पर काम किया स्वाइन फ्लू में, हमारे पास काफ़ी क्लिनिकल डाटा इसका मौजूद है, इसके काफ़ी प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटीज का वर्क हो चुका है, और ये तमाम दवाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की फॉर्मुलरी में मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट फार्माकोपिया में ये दवाएँ मौजूद है, और ये शास्त्रीय दवाएँ हैं, इसको अलग से पेटेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी BMS डॉक्टर जो यूनानी से कोई इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड BMS या MD या PhD डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है या सेल्फ अपनी तौर पे किसी मरीज को दे सकता है, खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये दवाएं ना सिर्फ इम्यूनो मॉड्यूलेटर यानी कि हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हमारी तो यहाँ तक कोशिश है कि हम इसको माइल्ड एंड मीडियम क्लिनिकल सिम्टम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट क्लिनिकल सिम्टम्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अलहमदुल्ला इसका हमको अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से भी वक्तन फवक्तन एडवाइजरी जारी की जा रही है जिसमें भी ये दो दवाओं का जिक्र है। बस ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और आवाम तक ये बात पहुँचे, वो लोग भी अपने जो करीबी जो यूनानी डॉक्टर हैं जो कि इस तरह की बीमारियों को महारत हासिल रखते हैं उनसे पैदा करें, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा तो उनको मालूम नहीं होगा कि उसका इलाज किस तरह करना है। तो मेरे आपसे ही आपके चैनल के जरिए मैं आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि आवाम ना सबसे पहले तो इस बीमारी को लेकर परेशान ना हो, पैनिक ना हो, क्योंकि ये दूसरी बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है जिसका माकूल अच्छे से इलाज मुमकिन है। अब चूंकि ये नया वायरस है तो इस पर वायरस का एंटीडोट क्या देना है ये अलग बहस है, इस पर हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन अलामत तक जहाँ तक इसका इलाज है इसमें बहुत बेहतरीन इसका इलाज तिरियाक़े अरबा और तिरियाक़े आज़म जिसको अर्क़े कहा जाता है, इससे हमको अल्हम्दुलिल्लाह हम पा रहे हैं और कई सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आपके चैनल से मेरी ये दोनों की गुजारिश है, एक तो अवामुन्नास से कि पैनिक ना हो और इस तरह से जब कभी कोई अलामत से दो चार हो तो हमारे से रब्ता करें। अलारिफ जनरल हॉस्पिटल एंड यूनानी रिसर्च इंस्टीट्यूट 24 आवर्स आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे यहाँ अतिबा की साइंटिफिक एडवाइजरी टीम जिसके अंदर माहिर अतिबा मौजूद है ये आपके खिदमत में हाजिर है। इसी तरह गवर्नमेंट से भी हमारी एक गुजारिश है कि हमारे जितने भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस और हमारे तजुर्बे हैं, हमारी आपसे गुजारिश है गवर्नमेंट से, हमारे दिमाग से कि हमारे सर्विसेज को आप यूज़ कीजिए, हमारे सर्विसेज हम 24/7 हमारे सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। गवर्नमेंट जो कि ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज़ में है जहाँ पर एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं पहुँच सकता, गवर्नमेंट का वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, तो हमारी गवर्नमेंट से इत्तेमास है कि हमारी सर्विसेज को यूज़ करें। और तमाम तेलंगाना से, हैदराबाद से, इंडिया से, न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया से इस जहाँ बीमारी का खात्मा करने में हमारी मदद करें। शुक्रिया।